तो नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग स्टेबिलिटी एनालिसिस, मतलब एरर कैसे एनालाइज करते हैं। तो बहुत ज़्यादा है नहीं इसमें, पर जितना है उतना करेंगे हम लोग, अपने सिलेबस पे फोकस रखते हुए इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो स्टेबिलिटी एनालिसिस जो कैसे है, किसी कोई भी न्यूमेरिकल मेथड है हमारे पास, इसमें क्या होता है, इनहेरेंट कुछ एरर्स होती है। जैसे कि मानो हमारे पास नंबर है 1/3, एक नंबर मानो पाई है हमारे पास। तो पाई को आप जैसे कंप्यूटर में अगर आपने कोड बनाया, तो पाई वैसे क्या होता है, 3.14141 एंड सो ऑन। अब ये तो क्या है, इरेशनल नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। अब इतने सारे 1414 तो आप ले नहीं सकते हो। तो आपने मानो अगर जैसे लिया 3.1414, ये आपने वैल्यू दिया किसी को, तो एरर कितनी रह गई इसमें, आप देखो इसमें एरर क्या रह गया था। जो एग्जैक्ट नंबर था वो तो क्या था, इनफाइनाइट टाइम, जबकि आपने कितना लिया, आपने लिया 2 बार, तो ये 0.00 टाइम ये एरर हो गया आपके पास। तो ये इनहेरेंट एरर है जिसको आप निकाल नहीं सकते हो, मतलब ये तो रहेगी ही रहेगी। तो दीज आर कॉल्ड इनहेरेंट एरर्स, या जो एरर्स है न्यूमेरिकल मेथड्स में हो। अब जो ये एरर्स है, ऐसे बहुत सारे टाइप्स मैं आगे बताता हूँ आपको। ये तो एक टाइप था समझने के लिए। तो अगर ये एक एरर है, तो इस एरर को, जैसे 1 सेकेंड, तो ये जो एरर थी आपके पास, ये एरर आ गई। अब ये एरर जो है, ये हमेशा बाउंडेड होनी चाहिए। स्टेबिलिटी एनालिसिस मतलब, स्टेबिलिटी मतलब प्रोसेस जो है वो स्टेबल होना चाहिए, कि ये अनबाउंडेड ना हो जाए एरर। ऐसा नहीं हो जाए कि एरर ये अनबाउंडेड हो गए तो हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। तो इसके लिए इस एरर को बाउंडेड रहना चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी एनालिसिस, है ना। तो अब जैसे एरर की देखो, जो मैंने कुछ कैटेगरी बनाई है, जो कैटेगरीज है एरर्स की, वो क्या है कि सोर्स ऑफ एरर क्या क्या हो सकता है। या तो ये राउंड ऑफ एरर हो सकती है, जैसे मैंने बोला अभी कि 3.1 जो पाई है इसको आप अप्रोक्सीमेट लिखते हो, या √2 हो गया, है ना, या 1/3 ले लो इसको आप लिखते हो, 0.33333। एक्चुअल में तो 3 इनफाइनाइट टाइम आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, पर हम इसको इनफाइनाइट टाइम कंप्यूटर में थोड़ी दे सकते हैं। कुछ बाउंडेशंस है हमारे पास, जो बिट पे बेस पे डिपेंड करता है ये, तो ये पूरा दे नहीं सकते। तो 100% कुछ ना कुछ एरर रह जाएगी। तो सोर्स ऑफ एरर्स क्या है, राउंड ऑफ एरर्स और ट्रंकेशन एरर। राउंड ऑफ एरर्स देखो क्या था, जैसे एरर क्रिएटेड ड्यू टू अप्रोक्सीमेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, जैसे 1/3 हो गया, आपने इसको, ये होता तो इतना है पर आपने क्या किया, जैसे एक वेरिएबल दिया एक्स, उसको 0.3333 दे दिया, तो इसमें कुछ एरर रह जाएगी। जब ये माइनस ये करोगे तो एरर क्या आएगी, 5 एंड देन 3333। तो है छोटी सी एरर, पर एरर तो है, और इसको आप हटा भी नहीं सकते बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ऐसे पाई का मैंने बताया, √2, ये सब आप कर सकते हैं अपने आप। ये हो गई राउंड ऑफ एरर्स, दैट इज क्रिएटेड ड्यू टू अप्रोक्सीमेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। ऐसे ट्रंकेशन एरर क्या है, इट इज डिफाइंड एज द एरर क्रिएटेड बाय अप्रोक्सीमेटिंग और ट्रंकेटिंग अ मैथमेटिकल प्रोसीजर। तो ये वो एरर्स है जिसे आपने कोई मैथमेटिकल प्रोसीजर को आपने अप्रोक्सीमेटली यूज किया है, तो जो एरर आए, जो मैथमेटिकल प्रोसीजर में एरर है, दैट इज कॉल्ड ट्रंकेशन एरर। जैसे फर्स्ट देखो, अगर मैं आपको बताऊं एग्जांपल के तौर पे, जैसे मानो e की पावर x है, टेलर सीरीज से हम इसको एक्सपेंड करें अगर इनफाइनाइट सीरीज में, तो इसमें कितने टर्म्स आने चाहिए, इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे ऐसे ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे, पर हम लोग इनफाइनाइट टर्म्स तो ले नहीं सकते। जैसे मानो e की पावर 2 है, तो इसको आपने इवेल्यूएट किया तो ये क्या आएगा, तो 1 + 2/1 फैक्टोरियल, 2² / 2 फैक्टोरियल, 2³/3 फैक्टोरियल, सो ऑन। अब मानो मैंने इसको अप्रोक्सीमेट किया, इसकी पहली 4 टर्म्स ले ली, इतनी टर्म्स ले ली, तो ये जो बचा ये तो एरर होगी। तो ये जो एरर आई, ये मैथमेटिकल प्रोसीजर एरर है, कि हमने क्या किया, एक मैथमेटिकल प्रोसीजर को, या जो ये टेलर सीरीज लगाई है, इसको आप बोलो मैकलेरन सीरीज जो हमने लगाई, इस सीरीज को सर्टेन टर्म्स पे टर्मिनेट कर दिया हमने, तो बाकी जो बच गई वो टर्म्स हमने ली नहीं, तो वो क्या हो गई हमारी एरर। ठीक है, और देख लो, अगर जैसे मैंने आपको इंटीग्रेशन भी कराया था पिछले वीडियोस में, इंटीग्रेशन भी है, तो ए से बी में मानो हमने जैसे ट्रेपेजॉइडल मेथड यूज किया, तो जो हम क्या कर रहे थे, एलिमेंट्स ऐसे यूज कर रहे थे कि
ऐसे एलिमेंट्स का यूज किया जा रहा था जो कि ट्रेपेजॉइड्स हैं। अब आप देखो इसमें ये एरर रह गई, इसमें ये एरर रह गई, तो ये एरर्स कब कम होगी? हम बोलते हैं कि एरर्स तब पूरी खत्म हो जाएगी जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऐसे इंटरवल्स लोगे आप ए और बी के बीच में, पर इनफाइनाइट इंटरवल्स लेते तो है नहीं, हम क्या लेते हैं एन फाइनाइट लेते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इंटरवल किसी प्रोग्राम में लेना पॉसिबल ही नहीं है, तो यहां पे क्या रहेगी, एरर रहेगी, तो इट इज अगेन ए प्रोसीजरल एरर। तो ये भी क्या हो गई, ये जो एरर आई आपके पास, दिस इज अ ट्रंकेशन एरर। तो ये सब क्या हो गई आपकी, ट्रंकेशन एरर्स हो गई, और एक क्या हो गई, राउंड ऑफ एरर्स हो गई, ठीक है। तो इसी प्रकार में एरर को कुछ कैटेगरीज हैं एरर की, जैसे कुछ क्वेश्चंस भी थे उसमें मैंने आपको बताया था कि एरर क्या होती है हमारे पास। एरर इज नथिंग बट जो एग्जैक्ट आंसर एनालिटिकल मेथड से, जो एनालिटिक मेथड्स हैं आपके, उनसे जो आपको एग्जैक्ट वैल्यू जो आ रही है वो माइनस जो न्यूमेरिकल मेथड से अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है। दैट इज नथिंग बट एरर। तो इसमें एब्सोल्यूट एरर भी एक टर्म है, एब्सोल्यूट एरर कि इसका मॉड है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। और एक टर्म होती है रिलेटिव एरर, तो ये आप याद रखोगे। सेकेंड थर्ड रिलेटिव एरर क्या है, इसमें रिलेटिव एरर इज एग्जैक्ट वैल्यू कि एग्जैक्ट के रिलेटिव में कितना एरर है, माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट वैल्यू मॉड, ये रिलेटिव एरर हो गए। और कई बार रिलेटिव एरर परसेंट भी पूछते हैं आपसे, परसेंट में क्या आएगा, यही रिलेटिव एरर ही आ जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपॉन एग्जैक्ट वैल्यू इनटू 100, तो ये परसेंट आ गया। तो ये कुछ एरर्स है जो आप ध्यान रखो, है ना, ऐसे क्वेश्चंस में पूछ लेगा आपसे कि बोलेगा कि ये मेथड है, इसके एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रोक्सीमेट वैल्यू के डिफरेंस, या एरर बताओ, या एब्सोल्यूट एरर बताओ, या रिलेटिव एरर बताओ, या रिलेटिव एरर परसेंट बताओ, ऐसे क्वेश्चंस मैंने पीछे किए भी हैं पर वो बताया नहीं, तो उससे पहले ये सब अब आपको समझ में आ गया होगा कि एरर्स क्या होगी, ठीक है। तो ये बात हो गई एक। अब कुछ मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास गेट में आए हुए हैं, तो उसी के बेस पे हम लोग इस टॉपिक को अपने आप को कंस्ट्रेंट करते हुए, जितने प्रोसीजर्स में आज तक क्वेश्चन गेट या आईएएस में आए हैं उन्हीं प्रोसीजर्स के मैं आपको कुछ एरर्स बता देता हूँ, वो अपने को याद भी रखनी है और वो आ भी सकती है, ठीक है। तो ये मेथड देखो, एक स्टेबिलिटी तो वापस मैंने छोटा सा डेफिनेशन आपके लिए लिख दिया है, ये स्टेबिलिटी एनालिसिस में अगर राउंड ऑफ एरर्स बाउंडेड रहेगी, क्योंकि हमारे पास क्या है एन नंबर ऑफ आइट्रेशंस है, तो अगर हमने आइट्रेशंस लगाई है और राउंड ऑफ एरर्स अगर बाउंडेड है तो आप क्या बोलोगे उसको, स्टेबल, अदरवाइज अनस्टेबल। और अनस्टेबल अगर मेथड है तो आपका सॉल्यूशन डाइवर्ज हो जाएगा, इसको बोलते हैं ओवरफ्लो एरर, ठीक है। ये हम पहली बात कर चुके हैं, तो लिख लोगे साहब थोड़ा सा। अब जैसे जो मेथड है इसके लिए स्टेबिलिटी एनालिसिस को, अगर कोई सिंगल स्टेप मेथड है आपके पास, मानो हमने अभी तक जो भी मेथड्स पढ़े उसमें काफी मेथड्स हमारे पास सिंगल स्टेप मेथड से, जिसमें हमने वाई एन प्लस वन को वाई एन के टर्म में लिखा, तो आप क्या करो उसको वाई एन प्लस वन को लिखो सम कोएफिशिएंट टाइम वाई एन, ऐसे आप लिखो पहले। कोई मेथड है आपने लगाया, जिससे मानो आपने यूलर्स मेथड लगाया, इसी का क्वेश्चन भी आ चुका है, तो उससे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, तो आपने क्या किया वाई एन प्लस वन, मतलब एन प्लस वन है था इटरेशन को लिखा आपने, उसका जो न्यूमेरिकल फॉर्मूला है वो आपने लिखा, उसमें वाई एन के सारे टर्म्स एक जगह कलेक्ट किए, तो वाई एन के टर्म्स का जो कोएफिशिएंट है, जो वाई एन का कोएफिशिएंट आएगा प्लस वन, मानो आपके पास आया यू 5 + h ((y)) + 9 ऐसे आ गया आपके पास, तो वाई एन का जो कोएफिशिएंट है ये होता है ई, ठीक है। कंडीशन है स्टेबिलिटी के लिए, क्या कंडीशन है कि जो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू वन। अगेन मैं इसका प्रूफ आपको नहीं दे रहा हूँ, इतना आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन एक दो आ चुके हैं तो हम लोग छोड़ेंगे कुछ नहीं,
ठीक है, तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू है किस, जो कोएफिशिएंट ऑफ वाई एन है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, ये होना चाहिए। तो ये है कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी। अगर कोई भी प्रोसीजर, सिंगल स्टेप प्रोसीजर अगर स्टेबल है, तो उसमें जो वाई एन का कोएफिशिएंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए अगर एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी आपको चाहिए तो। ठीक है, तो इसके बेस पे क्वेश्चन आया था अपने पास गेट 2016 में, 2 नंबर का। द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू -3x+2 विथ, इनिशियल कंडीशन आपको दे रखी है कि जब एक्स ऑफ 0 मतलब टी 0 पे एक्स 1 है, इज टू बी सॉल्व यूजिंग फॉरवर्ड यूलर्स मेथड। द लार्जेस्ट टाइम स्टेप दैट कैन बी यूज्ड टू सॉल्व द इक्वेशन विदाउट मेकिंग द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन अनस्टेबल, कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्यूशन को अनस्टेबल बनाए बिना क्या लार्जेस्ट स्टेप यूज करना चाहिए, एच क्या यूज करना चाहिए आपको। ठीक है, तो पहले तो आप इसको लिखो, तो इसका सॉल्यूशन क्या आता है, वाई एन प्लस 1 इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ एट एक्स एन कॉमा वाई एन। यूलर्स मेथड तो पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियोस देख लो। तो वाई की जगह यहाँ पे क्या है, एक्स है, क्योंकि इट इज फंक्शन ऑफ टी। ये कब यूज करते हैं हम लोग, जब वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो एक्स एन प्लस 1 क्या हो जाएगी, एक्स एन प्लस एच टाइम्स एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी, तो टी एन एक्स एन। ठीक है, तो एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन प्लस एच, और एफ एट टी एन एक्स एन क्या हो जाएगा, यहां से आएगा -3 एक्स एन प्लस 2, ये आ गया। अब इसमें क्या करना है, हमारा काम क्या है कि सिंगल स्टेप मेथड हमने बना दिया, कि यही सिंगल स्टेप है जिससे कि हमारे आंसर्स आएंगे सारे। एक्स एन को 0 रखोगे तो एक्स वन इज एक्स 0 -3, सॉरी एक्स 0 प्लस एच इंटू -3 एक्स नॉट प्लस 2, ऐसे ही 1 रखोगे 2 रखोगे और अपने आंसर निकालते जाओगे। तो सिंगल स्टेप प्रोसीजर आ गया ये। सिंगल स्टेप प्रोसीजर को अनस्टेबल, अगर उसको स्टेबल होना है तो क्या होना चाहिए, जो एक्स एन का कोएफिशिएंट है उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो एक्स एन के कोएफिशिएंट एक तरफ लाओ पहले, तो एक्स एन -3 एच एक्स एन प्लस 2 एच, ये हो गया। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स एन कॉमन लिया तो 1 -3 एच एक्स एन प्लस 2 एच, ये एक्स एन प्लस 1 आ गया। तो अगर इसको स्टेबल होना है तो जो एक्स एन का कोएफिशिएंट है इसका मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो जो 1 -3 एच है इसका मॉड, या 1 -3 एच किसके बीच में होना चाहिए, -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, तभी इसका मॉड क्या होगा, इसके अंदर अगर -1 से 1 के बीच की वैल्यू होगी तो ही उसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है। तो दोनों तरफ -1 कर दिया हमने, तो -3 एच क्या आ गया, दोनों सबको -1 कर दो, इधर भी -1 कर दिया, यहाँ भी -1 कर दिया, तो प्लस माइनस करने से कभी भी इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आता है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अच्छा, -3 एच 0 और ये -2। अब माइनस से अगर आप इंटू कर दो, -1 से दोनों तरफ इंटू करोगे तो इनइक्वालिटी में चेंज आता है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, क्योंकि -5 जो है वो -6 से बड़ा है, पर अगर आपने माइनस दोनों तरफ इंटू कर दिया तो 6 5 से बड़ा है, फिर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1 तो 6 5 से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। अब माइनस से इंटू कर दिया मैंने दोनों तरफ, कितना आपको आता होगा मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, तो 3h 2 0, तो h से आप डिवाइड कर दो 3 से, 2/3 0, तो जो h का वैल्यू है वो 2/3 से 0 के बीच में रहेगा। पूछा क्या था आपने से क्वेश्चन में, द लार्जेस्ट टाइम स्टेप, h इज नथिंग बट द टाइम स्टेप, ठीक है, द लार्जेस्ट टाइम स्टेप दैट कैन बी यूज टू सॉल्व द इक्वेशन विदाउट मेकिंग द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन अनस्टेबल। तो जो लार्जेस्ट टाइम स्टेप मतलब h का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, 2/3। तो अगर सॉल्यूशन को अनस्टेबल नहीं होने देना है तो मैक्स टू मैक्स आप टाइम स्टेप क्या यूज कर सकते हो इसमें, 2/3। ठीक है, तो 2/3 यूज कर सकते हो, इसी के हिसाब से आपको नंबर ऑफ आइट्रेशंस करनी पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, एक बात हो गई, ये क्वेश्चन भी हो गया, कुछ और भी प्रॉब्लम्स भी देखते हैं हम भी। तो ये वाला देखो आप,
ट्रंकेशन एरर फॉर्मूला फॉर ट्रेपेजॉइडल एंड सिम्पसन्स रूल। तो जब ट्रंकेशन एरर फॉर्मूला है तो ट्रेपेजॉइडल सिम्पसन रूल से क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन निकालते हैं ए से बी एफ एक्स डी एक्स, है ना। और इनके फॉर्मूले में आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ इंटरवल्स लेते हैं बी माइनस ए बाय एच, इतने नंबर ऑफ इंटरवल देते हैं। हमने फॉर्मूलाज के पहले पढ़ चुके, क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। अब उसमें जो ट्रंकेशन एरर आएगी, मैंने आपको बताया कि क्योंकि हम लोग क्या एन इनफाइनाइट नहीं ले सकते हैं, हम फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स लेते हैं, ट्रंकेशन एरर्स आनी है। तो जो ट्रंकेशन एरर आती है वो कितनी आती है वो बता रहे हैं आपको। तो इसमें डेरिवेशंस वगैरह की जरूरत नहीं है हमको, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो याद रखेंगे हम लोग। तो ट्रंकेशन एरर फॉर्मूला फॉर सिंपल ट्रेपेजॉइडल रूल, अगर सिर्फ दो ही पॉइंट्स हैं आपके पास, ए और बी के बीच में दो पॉइंट हैं, मतलब एक ही इंटरवल है, तो जो ट्रंकेशन एरर आती है वो आती है माइनस एच क्यूब बाई ट्वेल्व एफ डबल डैश एट दैट पॉइंट जहाँ पे आपको एरर चाहिए, ठीक है। ये जो है वो पॉइंट आएगा ए और बी के बीच में, तो यहाँ पे आपको एरर मिल जाएगी। ये ट्रंकेशन एरर रहेगी आपके पास किसके लिए, ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए। कब, जब दो ही पॉइंट्स हों, मतलब ए और बी को ही आप पॉइंट लेके सॉल्व कर रहे हो, तो इतनी एरर आएगी आपके पास, ठीक है। इसको हमने अच्छे से याद कर लिया। अब इसमें अगर कंपोजिट एन नंबर ऑफ इंटरवल्स हो हमारे पास, अगर एन नंबर ऑफ इंटरवल्स हैं तो क्या आएगी, यहाँ पे इन टू एन कर देना। और यहाँ सिर्फ आप यही फॉर्मूला याद रख लो कि एच क्यूब बाई ट्वेल्व इन टू एन एफ डबल डी सी, यही मैक्सिमम एरर आती है आपके पास, मैक्सिमम ट्रंकेशन एरर ट्रेपेजॉइडल रूल में इतनी आ सकती है। तो अगर एन क्या हो, अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स दो ही पॉइंट्स है तो इनके बीच में एक ही इंटरवल बनेगा, तो एन वन हो जाएगा, तो वो फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ऐसे पूछे कोई कि एब्सोल्यूट एरर बताओ, एब्सोल्यूट ट्रंकेशन एरर बाउंड कब फॉर टू पॉइंट्स, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर इस पे एब्सोल्यूट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एच क्यूब बाई ट्वेल्व एफ डबल डैश ई का एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कुल मिला के एक ही ये वाला फॉर्मूला याद करना है आपको। ऐसे अगर आपको बोले कि कंपोजिट का एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ, तो इस पे वापस इस पे मॉड लगा दोगे तो एच क्यूब बाई ट्वेल्व, क्योंकि स्टेप साइज तो पॉजिटिव होगी, तो एच क्यूब बाई ट्वेल्व तो पॉजिटिव ही होगा, नंबर ऑफ इंटरवल पॉजिटिव ही होंगे, सिर्फ क्या होगा मॉड एफ डबल प्राइम एच आई मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के आपको याद क्या करना था, सिर्फ ये याद करना था, इस एन में नंबर ऑफ इंटरवल्स अगर दो पॉइंट है तो एक हो जाएगा, तो पहला फॉर्मूला आ जाएगा, और इस पे मॉड लगा दोगे एन वन रख के तो तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा, इस पे मॉड लगा दोगे एन रख के तो चौथा फॉर्मूला आ जाएगा। तो कुल मिला के याद तो एक ही फॉर्मूला करना था, ठीक है। तो एच क्यूब बाई ट्वेल्व एन इंटू एफ डबल प्राइम ई का मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे अब सिम्पसन रूल भी पढ़ा था हमने, तो सिम्पसन में थ्री पॉइंट्स हो अगर तो दो इंटरवल्स आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आता है माइनस एच फाइव बाई नाइनटी एफ फोर टाइम्स फोर प्राइम बाय ई, चार बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये आता है। और इसके लिए भी जैसे एक ही फॉर्मूला, ये वाला एन इंटरवल वाला फॉर्मूला याद कर लिया हमने कि माइनस एच फाइव बाई वन एटी एन इंटू चार बार डिफरेंशिएट करके एट दैट पॉइंट ई, एन इज नंबर ऑफ इंटरवल्स, तो ये याद कर लिया। तो अब सिम्पसन में तीन पॉइंट्स हैं तो कितने इंटरवल हर, क्योंकि सिम्पसन वन थर्ड रूल के लिए तीन पॉइंट्स चाहिए चाहिए क्योंकि इवन इंटरवल चाहिए। जो अप्रोक्सीमेशन है सिंपल सिम्पसन वन थर्ड के लिए वो क्या है, क्वाड्रेटिक है, और एक क्वाड्रेटिक कर्व निकालने के लिए एटलीस्ट तीन वैल्यूज चाहिए आपको, तो ही वो ए बी सी के वैल्यूज निकलेंगे। अब तीन पॉइंट्स है तो उसमें इंटरवल कितने बनेंगे, दो, तो यहाँ एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, दो, तो वापस वही फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास। तो आपको सिर्फ एक ये वाला याद रखना है। अब ऐसे एब्सोल्यूट पूछे अगर तीन पॉइंट्स है तो क्या हो जाएगा, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा, और एन की जगह दो रख दोगे तो क्या आएगा, एच फाइव बाई नाइनटी एफ फोर प्राइम ई, ये आ जाएगा अगर तीन पॉइंट्स है तो। ये कब है, जब तीन पॉइंट्स है, और अगर जनरल है तो क्या आ जाएगा, एच फाइव बाई वन एटी इंटू एन, इस पे एब्सोल्यूट वैल्यू, एच फाइव बाई वन एटी इंटू एन और इस पे एब्सोल्यूट वैल्यू, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात भी हो गई, तो ये हमने अच्छे से याद कर लिए। तो एक तो बस वो वाला फॉर्मूला याद कर लिया हमने कि एच क्यूब बाय ट्वेल्व एफ डबल डैश, ये याद कर लिया। ये किसकी एरर है, मैक्सिमम एरर किसकी है, ट्रेपेजॉइडल की। और एक ये वाला फॉर्मूला याद कर लिया कि माइनस एच फाइव बाई वन एटी एन इंटू एफ फोर टाइम्स ई, तो इससे एब्सोल्यूट वाला भी निकल जाएंगे, और स्पेशल केस है कि अगर तीन पॉइंट्स है तो वो वाला भी निकल जाएगा, और उसमें स्पेशल केस अगर दो पॉइंट्स है तो वो भी निकल जाएगा, ठीक है। तो एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये सेकेंड वाला याद रख लो,
और एक ये सिक्स्थ वाला याद रख लो, तो आपके सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। तो इनको हमने अच्छे से याद कर लिया। अब इसके बेस पे जो दो क्वेश्चन आए हैं वो कर लेते हैं हम लोग। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, गेट 2008 में आया था। द मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल लेंथ्स ऑफ इंटरवल्स नीडेड टू अप्रोक्सीमेट दिस इंटीग्रेशन टू एन एक्यूरेसी ऑफ एटलीस्ट 1/3 इन 10^-6 यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल। तो मतलब जो एक्यूरेसी इतनी होनी चाहिए, मतलब जो आपको ट्रंकेशन एरर की बाउंड दे दी है उसने कि इतना ही एरर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ट्रेपेजॉइडल में जो ट्रंकेशन एरर आएगी वो कितनी आती है, वो अभी अभी हमने पढ़ा, दैट इज h³/12। क्या बोला इसने, एक्यूरेसी ऑफ दिस माइनस h³/12 इंटू f" इंटू n, ऐसे याद रखते हैं। ठीक है, तो एरर जो है वो इससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो यहाँ प्लस ले लो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरर आपकी इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपको दे रखी, तो 1/3 × 10^-6 की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, है ना, मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि बोला कम से कम इतनी एरर आने, सॉरी एटलीस्ट कम से कम इतनी एक्यूरेसी होनी चाहिए जो एरर है आपकी। अच्छा, एटलीस्ट इतनी एक्यूरेसी मतलब कि एरर मैक्सिमम इतनी हो गई, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा एक्यूरेसी तो इससे कम नंबर आएगा ना, तो इससे कम एरर होनी चाहिए तो ज्यादा एक्यूरेसी आएगी। ठीक है, तो ये मैक्सिमम एरर आपको दे रखे, मतलब बाउंड दे रखा है आपको, तो ये बाउंड दे रखा है h³/12। नंबर ऑफ इंटरवल्स कितना होता है, b-a/h, व्हाट इज b-a, 2-1/h इंटू f"". यू गेट h²/12 इज, ये आ गया। तो ये एक बात होगी, अभी क्या करना है, हमारा फंक्शन क्या है, ये रहा, इसको इंटीग्रेट करना था ना एफ एक्स को, था एफ एक्स इज xex e की पावर x। तो हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम बाउंड चाहिए, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट उतनी एक्यूरेसी चाहिए ना बेटा, इतनी एटलीस्ट चाहिए, तो ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी आएगी, इस पूरे की एरर की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए मुझे, इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो बस इस पर मैक्सिमम निकाल लेते हैं, तो मैक्सिमम क्या आ जाएगा, एफ एक्स है, मैक्सिमम निकालना हमको आता ही है, तो किसका, एफ एक्स का मैक्सिमम थोड़ी निकालना, f" का मैक्सिमम निकालना है। तो पहले तो f' किया, f' x क्या हो जाएगा इसका, एक बार xex+1ex, तो ये तो हो गया ex+xex। f" x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास एक्स प्लस, वापस वही ऊपर वाला ही आ जाएगा, e^(x+xex) दैट इज 2ex+xex। तो ये अगर आपने एक नया फंक्शन ले लिया जी एक्स, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए आपको किसमें, 1 और 2 के बीच में, तो व्हेन एक्स बिलोंग टू 1 टू 2, और ये पहले मैं कैलकुलस बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं, ठीक है, पर या तो आप प्रोसीजर यूज कर लो इसके, क्या निकालो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, और इंटरवल में है तो सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ एंड इंटरवल पे ही आएगा जो इनके बीच में होगा। तो अगर इसका g-x निकाला मैंने, तो g-x तो क्या हो जाएगा, 2e^(x+xex) का डिफरेंस चेंज किया था ना ऊपर, वो था e^(x+xex) दैट इज 3e^(x+xex), है ना, e^(x) कॉमन x+3। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, -3, एक तो -3 हो गया, और ये तो कभी 0 हो गई नहीं, तो -3 तो इनके बीच में है ही नहीं, तो जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो या तो 1 पे आएगी या 2 पे आएगी। और अगर आप देखो तो 1 से 2 में ये तो वैसे पॉजिटिव होता है, e^(x) तो हमेशा पॉजिटिव होता है, e^(x) ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, और x+3 भी 1 से 2 में पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव है 1 से 2 में, तो मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो 1 पे क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी, और 2 पे क्या आएगी, आपको मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो 2 पे ही मैक्सिमम मिल जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। या आप पहले चेक करके देख लो, 1 पे वैल्यू रखो इसमें और 2 पे वैल्यू रखो इसमें, तो जो मैक्सिमम आए वो मिल जाएगी। और अगर आपको इंक्रीजिंग फंक्शन समझ में आ गया, तो इंक्रीजिंग है तो 1 पे मिनिमम होगी और 2 पे
मैक्सिमम होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई जी डबल डैश की, जी एफ डबल डैश की जो मैक्सिमम वैल्यू आई वो किस पे आई, टू पे, और वो वैल्यू आई हमारे पास टू इंटू ई स्क्वायर प्लस टू इंटू ई स्क्वायर दैट इज फोर ई स्क्वायर, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, फोर ई स्क्वायर। अब क्या है हमारे पास, यहां पे फोर ई स्क्वायर आ गया, ठीक है, तो वन बाई थ्री इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय ट्वेल्व इंटू एफ डबल प्राइम ई, चाहिए मतलब एफ डबल प्राइम टू पे आके, मतलब जिसपे मैक्सिमम वैल्यू आना था हमारा वो आ गया फोर ई स्क्वायर। तो यहां से एच स्क्वायर क्या आ गया मेरे पास, एच स्क्वायर आ जाएगा ये थ्री, थ्री कैंसिल, टेन की पावर माइनस सिक्स बाय ई स्क्वायर, तो एच आ गया टेन की पावर माइनस थ्री बाय इधर इज वन बाय थाउजेंड ए। तो इंटरवल तो आपको इतना एच लेना पड़ेगा अगर आपको मैक्सिमम एरर बाउंड रखना है उतना, एक तो ये बात होगी, दूसरी क्या बात होगी, एच पूछा क्या था इसने, पूछा था इसने अपने से मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल लेंथ सब इंटरवल्स, कितने इंटरवल्स होने चाहिए, तो एन पूछा इसने अपने से, तो एन क्या हो जाएगा बी माइनस ए बाय एच, तो बी माइनस ए तो टू माइनस वन बाय एच क्या है वन बाय थाउजेंड ई, तो नंबर ऑफ इंटरवल्स इज थाउजेंड ई, तो आपको थाउजेंड टाइम्स ई इतने इंटरवल्स आपको कम से कम लेने पड़ेंगे अगर आपको मैक्सिमम एरर बाउंड्स इतना रखना है, और एच जो है सब इंटरवल इतना आएगा वन बाय थाउजेंड ई। ठीक है, तो बिना आप वो फॉर्मूला याद करे ये क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, है ना, ऐसे रेयरली क्वेश्चन आते हैं ऐसे, पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि आया हुआ है तो सिलेबस तो कवर करेंगे पक्की बात है। ये हो गया एक, दूसरा ये क्वेश्चन अभी भी आया था ये वाला, ये गेट 2016 में आया था, क्वेश्चन क्या है, फाइंड दी 18 में शायद 18 या 16 में कभी आया था, फाइंड दी मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेशन यूजिंग 1 बाय 3 रूल। तो 1 बाय 3 रूल से बोल रहा है कि एरर निकालो और स्टेप साइज लेना है 1। ठीक है, तो एरर क्या आएगी 1/3 रूल में, वो आएगी एच फाइव बाय 180, एब्सोल्यूट एरर ले रहा हूं मैं, मैक्सिमम एरर एरर, तो एरर मैक्सिमम एरर निकाल लेते हैं हम लोग कितनी एरर आएगी, दैट इज एच फाइव बाय 180 इंटू एन एफ 1 2 3 4 एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा वो वाला पॉइंट ये आएगी अपने पास। ठीक है, तो एन तो क्या होगा बी माइनस ए बाय एच, तो बी माइनस तो 4 माइनस 0 बाय 1, तो एच फाइव इसको चलो ऐसे लिख देता हूँ बी माइनस ए बाय एच, तो और थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, एक एच निकल जाएगा, एच फोर हो गया, और एच फोर के क्या रख दिया एच तो 1 है, तो 1 हो गया 1 इंटू बी माइनस ए इज 4 एफ, ये मैक्सिमम वैल्यू है ना इसकी, तो मैक्सिमम एरर निकाल लिया, तो ये क्या आ गया हमारे पास 4 एफ 1 2 3 4 चाहे मैक्स ये आ जाएगी। तो फंक्शन क्या है हमारे पास एक्स फोर प्लस 10, तो पहले तो उसका चौथा डिफरेंशिएशन निकालना है, उस चौथे डिफरेंशिएशन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए अपने पास प्लस 10, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया 4x³, डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा 12x², ट्रिपल डैश एक्स क्या आ जाएगा 24x, और फोर्थ टाइम एक्स क्या आ जाएगा 24, तो ये तो कॉन्स्टेंट ही आ गया, तो ये खुद ही मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 24 इंटू 4, नीचे 180 भी है, एक मिनट एच फाइव बाय 180 था नीचे, 180 टेक केयर करना है हमको, तो 24 इंटू 4 बाय 180। ठीक है, तो इसका वैल्यू देख लेते हैं, इसका वैल्यू आ रहा है मेरे पास 0.533 533 ये एरर आएगी।
तो अगर वन थर्ड रूल से सॉल्व करेंगे तो जो एरर आएगी, एब्सोल्यूट एरर आएगी सिम्पसन बंद रूल में, वो आएगी इतनी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही चाहिए, ये वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। अच्छा एक चीज और ध्यान रख लो कि अगर आपसे कोई पूछे कि ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एरर, कि एरर का ऑर्डर क्या होता है ट्रेपेजोइडल रूल में, तो ये एच क्यूब होगा। तो ऑर्डर ऑफ एरर इन ट्रेपेजोइडल रूल इज एच क्यूब। और ऐसे आपसे पूछे सिम्पसन वन थर्ड रूल में ऑर्डर ऑफ एरर क्या आएगा, तो दैट इज एच फाइव, ये एच फाइव की ऑर्डर आएगी। ठीक है, एच फाइव। तो ये भी चीज हमने याद रख ली। तो इतना मेरे हिसाब से काफी है हमको एक न्यूमेरिकल मेथड का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गेट में। तो यहीं इस चैप्टर को एंड करते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे लाप्लास। थैंक यू।